अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तज़कर ऋषि, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और आपके पास कोई हुनर है, तो आप कैसे आयरलैंड जा सकते हैं, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आयरलैंड, क्योंकि वहाँ पे उनको लेबर का मसला है, स्पेशली जो डेयरी फार्मिंग होगी, हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद मीट प्रोसेसिंग होगी, उनके पास लेबर की कमी है। और उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक स्कीम मुतारफ कराई है, जिसका नाम है पायलट स्कीम। आयरलैंड में दो किस्म के परमिट है, जिसमें एक का नाम है जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, उसके अंदर पायलट स्कीम आती है। दोस्तों, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि हम इतने पैसे देते हैं, एजेंटों को दे के जलीलो ख्वार होते हैं और कुछ बनता भी नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं वर्क परमिट के ज़रिए, उसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप वर्क परमिट पर जाते हैं, आप पास वीज़ा होगा, पाकिस्तान आप एनी टाइम आ जा सकते हैं, उसके बाद आप यूरोप में, उसके बाद आयरलैंड में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जब आप लीगली आपका स्टेटस होता है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बजाय इसके कि पैसे ज़ाया करें, लोगों के पीछे भागें, तो ये ज़रूर आपको अपनी किस्मत मानी चाहिए। अगर आपको ये परमिट मिल जाता है तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा ये। दोस्तों, दो तरीके इसके अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला आयरलैंड है तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, और वो आपको किसी से बात करके, जो कोई बंदा किसके बिजनेस है, तो वो आपको वर्क परमिट पे बढ़ा सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन की, इसके लिए कोई भी ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आपने मैट्रिक एफ ए किया हुआ है तो वो इनफ है, आप वहाँ पर काम करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, डेयरी फार्मिंग में जा रहे हैं, या मीट प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, आप शो कर सकें मेरे पास ये डिप्लोमा है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उसके लिए जॉब हासिल करने में आसानी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जब मैट्रिक करते हैं, एफ ए करते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद हम पढ़ते नहीं हैं तो फारग बैठे रहते हैं, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कोई ना कोई हुनर सीख लें, कोई ना कोई टेक्निकल कॉलेज में दाखिल लेके डिप्लोमा कर लें, तो वो आपको यूरोपीय मुल्कों में बहुत काम आ सकता है। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट से बहुत दुश्वारियाँ आती हैं, नुकसान भी हो जाते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप जो लीगल वे है उसके ज़रिए अपनी किस्मत आजमाएं, और अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, ये जो स्कीम है, इसमें अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस परमिट की मुद्दत जो है वो 2 साल होती है, उसके बाद जब 2 साल आपको हो जाते हैं तो फिर ये 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है, और जब 5 साल आपको लीगली वहाँ पे हो जाते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लॉ है, अगर आप 5 साल लीगली रहें तो आप उसके बाद परमानेंट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हॉलैंड है, हॉलैंड में अगर आप 5 साल रेगुलर रहते हैं लीगली, तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आयरलैंड में भी अगर आप 5 साल लीगली रहते हैं, उसके बाद आप लॉन्ग टाइम परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जॉब ढूंढने का तरीका यह है कि ऑनलाइन आप जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप एक अच्छी सी CV बनाएं, जिसमें आपका पूरा बायोडाटा हो, आप की एजुकेशन, और आपने जो डिप्लोमा किया हो। मैं लिंक्स नीचे दे दूंगा, जिसके ज़रिए आप ख़ुद छानबीन कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा और भी कई मालूमात हैं जो आप हासिल कर सकते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला है आयरलैंड में, तो उससे आप रब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए जॉब ढूंढे। इसके लिए शर्त ये है कि चाहे कोई बंदा आपके लिए जॉब ढूंढे या आप ख़ुद ऑनलाइन आप जॉब ढूंढे, तो उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो कम से कम 12 महीने आपने उस कंपनी में काम करना है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपने काम किया, आप छोड़ के कहीं और चले जाएँ, नहीं, कम से कम आपने 1 साल उस कंपनी में काम करना है जो कंपनी आपको बुला रही है। उसके बाद जब 12 महीने हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं काम करने के लिए। दूसरी शर्त ये है कि आप जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसके मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि आयरलैंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो मिनिमम है 27,000 से लेकर 30,000 तक जो एनुअली आपकी इनकम होती है, यानी कि अगर आपको बंदा बुला रहा है तो आपको कम से कम उसे 27,000 यूरो सालाना ऑफर करनी होगी
उसके बाद आपका वर्क परमिट इशू हो सकता है। अगर ये शर्तें अगर पूरी हों तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा 2 साल का और आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। अगर आप समझिए कि आपको काम पसंद नहीं है तो 12 महीने के बाद आप छोड़ के किसी और कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर ट्राई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कंपनी ने आपको प्रोवाइड करनी। जब आपकी जॉब हो जाएगी उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो कंपनी को आपने ऑलरेडी भेजे हुए होंगे। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटो कापी चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए वगैरह वगैरह। तो सबसे मेन ये 4 शर्तें, पहली बात ये है कि आप पास जॉब होनी चाहिए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 27,000 से 30,000 तक आपकी सैलरी होनी चाहिए और जिस कंपनी में जा रहे हैं आपने कम से कम वहाँ पे 12 महीने काम करना है। ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं, नमाज पढ़ा करें, माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखा करें, अल्लाह ताला भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जो नए आने वाले दोस्त हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुँच सके। तस्करी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।